दोस्तों हम आ गए आज मुड़मा मेला की छोटी सी झलक दिखाने के लिए। ऐसे आज तो मुड़मा मेला तो लगी भी नहीं है, ये मुड़ा मेला लगने वाली कल, लेकिन ये मौत का कुआं चकाचक बनकर रेडी हो गई है। मैं भी कल ये स्टार्ट हो जाने वाला है। इस मौत का 50 रुपये टिकट है, टिकट रेट में आप लोगों को दिखला देता हूँ भाई। मौत का कुआं मात्र 50 होने वाली है मुड़मा मेले में। और क्या क्या रेट वगैरह रहेगा मैं भी अपडेट करूँगा। यहाँ पर भी बुकिंग काउंटर है, ये बुकिंग काउंटर झूले की है और मे भी मुझे लगता है ये 30 रुपये से स्टार्ट होने वाली है। यहाँ तो रेट वगैरह डाला हुआ नहीं है। और ये यहाँ पे फिर से वही चक्री वाली यहाँ पे लगा हुआ है, वो भी मैं दिखलाऊंगा। और मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा का वीडियो बना के बुकिंग काउंटर में क्या रेट रहेगा वो सब बताने का। और ये एक बड़ी झूले है, लेकिन उससे भी बड़ा झूला मैं और एक दिखाने वाला हूँ, वो भी आने वाला है, वो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। ये रहा दोस्तों, ये रहा टोकरी झूला। ये टोकरी झूला बिल्कुल बन कर रेडी हो गया है। कल आप देखोगे जब इसे चलते हुए, यूँ देखो देखो दोस्तों, यूँ देखो मैं किस तरह, देखो मेरे मोबाइल पर नहीं आ रहा है, इतना बड़ा झूला है, बहुत बड़ा। प्रोबेबली मुझे लग रहा है मुड़मा मेला का ये सबसे बड़ा झूला होने वाला है। और ये भाई साहब लोग कल ही बता पाएंगे कि टिकट रेट क्या होगी। और मुझे लगता है कि मैं भी 50 रुपये से स्टार्ट होने वाली है टिकट रेट। तो इस तरह का मैं अपडेट लोगों को देते रहूँगा। मैं आगे और भी इन्जॉयमेंट करने के लिए और एक्टिविटीज के लिए ढेर सारे यहाँ पे है, और फिर मैं आप लोग अपडेट करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। और मैं धीरे धीरे लेकर चलता हूँ नेक्स्ट आगे की। और मुझे लग रहा है इस रेंज में बस केवल झूले ही झूले भाई, केवल झूले ही झूले। यहाँ पर ट्रेन लगी हुई है और ट्रेन की भी ये कामकाज बहुत जोर से चल रही है। और इस बार की मुड़मा मेले की खास बात यह है कि बस ये मात्र 6 राउंड होने वाली है। तो आप सोच सकते हैं कि तरह की जो रमफिला जो है वो बहुत ज़्यादा कमाई करने वाली है। और मुझे लगता है कि मे भी ये भी 30 रुपये या 50 रुपये इसका भी टिकट होने वाला है, इस बॉक्स का टिकट लिखा हुआ नहीं है। और ये दोस्तों है डिस्को डांसर, बेहद जबरदस्त होने वाला है डिस्को डांसर। और पता नहीं इसमें तो राउंड नहीं लिखे हुए हैं, कितने राउंड होने वाले हैं, लेकिन ये भी जबरदस्त होने वाले हैं। बुकिंग काउंटर कहाँ की, तो ये है बुकिंग काउंटर आपकी डिस्को डांसर की। अब देख सकते हैं पूरा जबरदस्त तैयारी कर रही भाई। और यहाँ पे प्रिपरेशन अभी भी चल रहा है, लोग रेडी कर ही रहे हैं। ये राउंड वाला है प्रोजेक्टरा और इधर का राम झूलवा तैयार होने वाला है, और बाकी सब तैयार हो ही रहेगा। मुझे लग रहा है इस बार की मेला में काफ़ी ज़्यादा तादाद में झूले आए हुए हैं, और वीडियोज़ में कराएंगे तो सारे सारे में काउंट कर ही दूँगा। और यहाँ पे एक आ गया है नौका विहार, आप उधर भी देख सकते झूले। मैं तो काउंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सारे के सारे काउंटिंग आप लोगों को करना है कि मुड़मा मेला कितना झूला लगा हुआ था। ये सारे के सारे बस एम यूज़ में चलिए, यहाँ पे और एक चीज़ सुना करें, आप पता नहीं इसका क्या कर रहेगा। अरे भैया टिकट मैंने कहा तो क्या, पता नहीं 40-50 का ही, मैं तो मौत 50 का लगेगा। तो जैसा कि भाई साहब यहाँ पे बोल रहे हैं, मेरे 50 रुपये के रेट होने वाली है कल डिस्को डांसर की। ये देखना पड़ेगा कि क्या रेट रखने वाले हैं। और इस तरह से ड्रैगन भी बिल्कुल यहाँ पर रेडी हो गया है। और आपको मैं बताया कि मुड़मा मेला का सबसे बड़ा झूला ये होने वाला, मैं आप लोगों को दूर से दिखलाने वाला। और इसके जस्ट बगल में एक मौत का कुआं है यार, क्या शानदार तरीके से सजाया गया है इसे भी, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार लग रहा है। काम अभी भी प्रोग्रेस पे है। और ये भाई साहब लोग देखो एक से एक सामान उठा के बिल्कुल लगे हुए हैं जल्द से जल्द काम को समाप्त करने के लिए। उम्मीद है कि ये कल शाम तक में बिल्कुल तैयार कर देंगे, क्योंकि कल शाम से मेला का आयोजन होने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त भव्य आयोजन। आपको तो पता ही है कि मुड़मा मेला बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक मेला है इस मांडर प्रखंड का। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बाकी के और भी झूलों के और भी मैनेजमेंट जो इक्विपमेंट्स आए हैं उन लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं आज। लेकिन भाई यहाँ का सबसे बड़ा दर्शनीय चीज ये होने वाला है कि बहुत बड़ा एक झूला, झूला नहीं एक नाव आया। मेरे यहाँ पे लग रहा है कि एक साथ आराम से 50 से 80 लोग यहाँ आराम से बैठ सकते हैं। इतनी बड़ी झूले भैया नाव आया, पता नहीं नाव का विहार होने वाला है। आज इसके साथ हम चलेंगे बच्चों की गाड़ियों, बच्चों की गाड़ियों भाई, बच्चों की गाड़ियाँ, ये बच्चों की गाड़ियाँ बिल्कुल छोटे भीम के साथ। कितना चक्कर भैया, कितना चक्कर गाड़ी में, अरे भैया कितना चक्कर गाड़ी में, 15 चक्कर कितना लगेगा, 20 रुपये में 15 चक्कर भाई साहब घुमाएंगे, 15 चक्कर 20 रुपये में। तो गली मजा आने वाला है कि भाई साहब कैसे शुरू कर रहे हैं। माया साल देखिए, बड़े बड़े झूले लगे हैं, बिल्कुल चौकड़ी वाला रमझूला। अब यहाँ पे लगता है ये भी 50 रुपये का टिकट होने वाले। जस्ट बगल में है एक और मौत का कुआं, मौत का कुआं आप जानते हैं कितना रिस्क है भाई। और उसके बगल में ही है ब्रेक डांस, तो ये काफ़ी मज़ा आता है। और वो तो कहीं पता चलेगा, 3 साल से ऊपर के बच्चे का पूरा टिकट लगेगा भैया। यहाँ पे 3 साल से अगर बच्चे ऊपर होंगे उनका पूरा टिकट लगा, 3 साल का बच्चा क्या एक्सपीरियंस करेगा भाई। तो दोस्तों हम जा रहे हैं यहाँ पे मौत का कुआं के अंदर, देखते हैं यहाँ पे का क्या सीन होने वाला है, क्या सीन होने वाला भाई, जबरदस्त। ये देखिए बड़ा सा है झूला और साथ में है यहाँ पे ब्रेक डांस, और यहाँ पे लगेगा साथ में इतना बड़ा, यार इतना बड़ा यहाँ पे लगा हुआ ना यार, क्या मैं बताऊँ, बहुत ही ज़बरदस्त। अभी मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ यहाँ पे, बहुत ही ज़बरदस्त है भाई, क्या तैयारी है, क्या प्रिपरेशन है। ये रहा बिल्कुल, और इसके अंदर चलने वाली है 3-3 मौत की कुआं में गाड़ी, ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त।
मैं काउंट नहीं कर पा रहा यार, 1 2 3 4 5 6, ओ माय गॉड, 6-6 गाड़ियाँ चलने वाली है। सारे के सारे हैं RX यहाँ, और ये 3-3 कार हैं मारुति आल्टो, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली भैया ये सब रेस में, क्या बतलाऊँ। ये आप लोग कल आइए, कल देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाले हैं। मैं भी यहाँ की टिकट रेट होने वाली है 50 रुपया। और यहाँ पे मैं बगल में दिखा दूँ आपको, ये ब्रेक डांस, बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेक डांस होने वाली है भैया। ये मुड़मा मेला का मे बी सेकेंड हाइएस्ट रमझूला होने वाला, कल आइए देखिए, बहुत मज़ा आने वाला। चलिए या ब्रेसलेट आप बोलो, सारे के सारे क्या है 100 से स्टार्ट हो रहे हैं और 150 तक है इसका मैक्सिमम रेंज। काफ़ी शानदार लग रहा है भाई, ये सारे के सारे टेडी बियर के कलेक्शन यहाँ पे, और यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए बंदूक गन फायर। यहाँ पे एक से बड़ी एक भाई, यहाँ पे हवा गाड़ी लगे हुए हैं, तो आप बच्चों को खेलने के लिए खिलौने, और यहाँ पे देखिए हार्ड शेप में बच्चों के लिए पिलो, टाइगर देख लीजिए टाइगर। इतना बड़ा गाड़ी भाई, कितने का है भाई ये गाड़ी सर? अलग अलग रेट का, पर भी कम से कम कितने में स्टार्ट कर रहे हैं? 300 से स्टार्ट है, और महंगा कितना तक है? 2000 तक। तो भाई साहब यहाँ पे है ना 300 से लेके 2500 तक के सामान बेच रहे हैं भाई, क्या आइटम है बच्चों खेलने के लिए। अच्छे टेम्पो से लेके बाइक से लेकर ट्रक से लेकर हाईवा से लेकर एक से बढ़कर कार भी है भाई, सब कुछ है यहाँ पे। फिर आपको मैं लेकर चलता हूँ और एक सिंगार स्टोर, ये रहा भाई सिंगार स्टोर, एक से बढ़कर एक यहाँ पे नेकलेसेस हैं रंग बिरंगे, यहाँ पे मंगलसूत्र भी हैं, बहुत जबरदस्त जबरदस्त सोना मिलता है। और इधर का देखिए कलेक्शन बिल्कुल ऐसा लगे बिल्कुल सिल्वर का ही कलेक्शन यार, जबरदस्त होने वाला। क्या रेंज में भाई सब? हाँ मिनिमम कितने से शुरू करा यहाँ पे मिनिमम क्या? और यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है भाई, एक दाम जैसा सामान वैसा दाम, ठीक है? ठीक है, मोल भाव ना करें, मतलब जैसा सामान है वैसा पे दाम रहने वाला है। यहाँ पे स्टोर का नाम है मुंबई कंगनी स्टोर, एज आइटम एज प्राइस ऐसा यहाँ पे इनका नोटिफिकेशन है। अब देखा जाए कि क्या होने वाला है यहाँ पे, कितने का रहेगा भैया कम से कम? 100 से स्टार्ट यहाँ, मतलब भाई साहब स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब क्या बालियाँ भी सोती रहेगी? नहीं ब्रेसलेट, ठीक है, और बालियाँ क्या क्या होने वाली? बालियाँ उसे झुमका और उस तरह वाला चूड़ी कंगन, अच्छा सब सारे साथ चूड़ी कंगन ही है, तो ये स्टोरी है भाई बिल्कुल चूड़ी कंगन वाली। यहाँ पे बच्चों के लिए ब्रेसलेट मिल जाएगी, बड़ों के लिए मिल जाएगी, और ये सारे के सारे देख रहे हैं गोल्ड कलर में मिल जाएंगे और सिल्वर कलर में मिल जाएंगे, और सारे के सारे बड़ा शानदार लग रहे हैं। और ये चूड़ियाँ आप देख रहे हैं, ये चूड़ियाँ आप देखें आपको लगे बिल्कुल शंख माला की बनी हुई है, कुछ लाख की बनी हुई लगेंगी, जबरदस्त है भाई। कभी आओ मुंबई मेला में, कल आ रहे हो तो सब देखे जाना, तो आपको यहाँ पे जितनी सजाई हुई चूड़ियाँ नजर आ रही है ना, चाहे व्हाइट हो चाहे रेड हो क्या गोल्ड में देख रहे हैं, सारे के सारे क्या है या तो मेटलिक हैं और साथ में साथ क्या है ग्लास फॉर्मेशन के, ग्लास के बने हुए बहुत शानदार लग रहे हैं। अब इसी प्रकार आ गए हम लोग कंबल के दुकान पे, क्या रेंज है भाई चचा यहाँ का कंबल का? 500 रुपये से, और मैक्सिमम कितने तक है, और क्या कितना बाय कितने का है? 3000 तक है ना, और लंबाई चौड़ाई क्या रहेगी? 7x8। तो यहाँ पे आपको कंबल सारे कंबल है 7-8 की या फिर? अच्छा, तो यहाँ पे आपको कंबल है ना, आपको साइज़ के हिसाब से मिल जाएगा, कोई 7-8 की है तो कोई 5-8 की होगी, 6-7 का भी है, और रेंज आपको मिल जाएगा यहाँ पे 500 लेके 3000 के बीच में। ये भी बहुत शानदार है, आपको ऑन रोड मिल जाएगा, मुड़मा मेला में ऑन रोड पे है, और साथ में चचा के यहाँ आपको एक झूला का भी कलेक्शन मिल जाएगा। आपके यहाँ अगर बाल बच्चा लोग अगर है तो जबरदस्त झूला भी यहाँ पे जबरदस्त है, झूला का शानदार ऑप्शन है। और भाई ये कंबल है ना, बहुत ज़बरदस्त कंबल है भाई, मतलब लोटस कंपनी, और कंपनी क्या है लोटस की कंपनी है, बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। और यहाँ पे आपको फुट मैट वगैरह बोलिए, कारपेट वगैरह देखिए तो बहुत शानदार कारपेट भी यहाँ पे है। तो आप कल मुड़मा मेला अगर पहुँचते हो तो फिर चचा की दुकान पे जरूर आओ। डिस्काउंट वगैरह चचा किस तरह का है? डिस्काउंट वगैरह सब हो जाएगा, आपके सामान के ले जाने के ऊपर भी डिस्काउंट वगैरह रहेगा, बहुत ज़बरदस्त है। ये आप देख रहे हैं ना बिल्कुल रोड पे ही है, बस सामने में है, ठीक है? तो आइए यहाँ पे और चचा के यहाँ से कमल वगैरह लेके चलिए, बाकी फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं बिल्कुल मुड़मा की मेन रोड में आ गए हैं आप यहाँ पे, तो यहाँ पे इस तरह का रास्ता का डाइवर्जन बनाया गया है कि यहाँ पे मेन रोड बिल्कुल क्लीन होने का है, और ये इस तरह से एक रास्ता इधर से एक है जो बरगड़ी के लिए है, और ये है मेन हाईवे, और ये रास्ता है रांची को जाने वाला। और मैं आपको यहाँ पर से दिखला रहा हूँ यहाँ का मेन गेट, ये मेन गेट है, और यहाँ पे हम इसे वीडियो को क्लोज करते हैं, बाकी आपको सारे के सारे जो भी है रात मेला का मज़ा आपको कल नज़र आ जाएगा। तो फिर मैं यहीं पर वीडियो को एंड करता हूँ, मिलता हूँ आपको मेले के बाद, आप लोग देखिए मेला और बताइए कि मुड़मा मेला कैसा लगा इस बार।